नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो इतिहास को हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, प्राकैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था कि प्राकैतिहासिक काल को हमने जो इतिहासकार उन्होंने किस किस पार्ट में विभाजित किया हुआ है, जिसमें हमारा क्या था, प्रापाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, नवपाषाण काल था और एक ताम्रपाषाण काल। इन चारों कालों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि उस समय की क्या क्या घटनाएं थी और उनके थ्रू मतलब उनके माध्यम से हमें क्या उस समय की घटनाओं को पता चलता है कि मतलब वहां पे किस तरीके का जीवन स्तर था और किस तरीके के लोग जीवन व्यापन करते थे। तो दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं आज की वीडियो में आद्यैतिहासिक काल, कि आद्यैतिहासिक काल में आद्यैतिहासिक काल की क्या क्या घटनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो आद्यैतिहासिक काल दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह वह काल है, इसके क्या हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए परंतु इनकी जो लिपि थी वो इस तरीके की थी कि कोई इनको समझ नहीं पाया। तो उस काल को क्या हम कहते हैं, आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं जो आद्यैतिहासिक काल है उसका जो समय पीरियड क्या बताया गया है, 2500 BC से 1750 BC। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो आद्यैतिहासिक काल है इसमें हमारी दो सभ्यताएं आती है, एक हमारी आती है हड़प्पा जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, एक आती है हमारी मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो इसमें दोस्तों वैसे तो सारे पॉइंट कॉमन ही है पर कुछ कुछ पॉइंट मोहनजोदड़ो सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता है उसको थोड़ा सा अलग अलग करती है। तो इसमें दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, इसकी खोज किन्होंने की थी, इसकी खोज की थी दयाराम सानी, यानी कि दयाराम सानी एक इतिहासकार वो थे। उन्होंने 1921 में क्या है, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम चालू किया था। कहां से, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित हड़प्पा, जिला कौन सा था, मोंटगुमरी, यानी कि जिले का नाम था मोंटगुमरी जिला, हड़प्पा स्थान था, कहाँ था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। वहां से क्या है इन्होंने खुदाई का काम चालू किया, उससे फिर वहां के अवशेष मिले, फिर अवशेषों का अध्ययन किया गया, उससे हमें क्या अध्ययन करने के बाद हमें पता चला कि उनका समय पीरियड क्या है, 2500 BC से 1750 BC का है और ये किससे बिलोंग करते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब संबंधित है। तो इसका हम देख लेते हैं दोस्तों, ऐसे ये है हमारी। और फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी इसकी खोज किन्होंने की थी, इसकी खोज की थी राकल दास बैनर्जी ने की थी। किस सन में की थी, 1922 में, यानी कि इन्होंने क्या करा था, उसकी खुदाई का काम चालू किया था। कहां से किया था, यानी कि ये भी क्या थी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित थी, यानी कि जो पाकिस्तान है ये हमारा, आप एज्यूम कर लो ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये यहाँ से लेकर ये जो एरिया है ये हमारा पूरा पाकिस्तान का है। तो ये जो एरिया था यहाँ से गुजरात में, इस गुजरात से टच में, ये हमारा पूरा पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ से इन्होंने किया था कि सिंध प्रांत के लरकाना जिले में क्या है, खुदाई का काम चालू किया था, जिससे क्या है जो वहां के अवशेष प्राप्त हुए थे तो वो किससे संबंधित थे, वो मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित थे। ये क्या है दोस्तों, जो भी ये अवशेष मिले हैं क्या सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि जो सिंधु नदी थी हमारी उसी के किनारे हमारे सारे अवशेष स्थित है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसको हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, यानी कि मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या क्या अलग थे दोस्तों, इसमें पॉइंट एक तो ये अलग था कि इसको क्या है, हमें जो इस मोहनजोदड़ो सभ्यता में थी इसमें क्या, शवों को जलाया जाता था, यानी कि कोई आदमी जैसे अगर एक्सपायर हो गया तो उसमें क्या करते थे, शवों को जलाते थे। पर जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, दफनाने की प्रथा थी, यानी कि उनको क्या है, दफनाया जाता था। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इनको जलाया जाता था, शवों को जलाया जाता था, इसमें क्या दफनाया जाता था। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, वो देख सकते हो आप, यानी कि ये हमारा हो गया गुजरात, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये हमारा हो गया, इसको आप एज्यूम कर लो ये हमारा इंडिया का मैप है। तो ये जो स्टेट है ये हमारी गुजरात स्टेट है, ये गुजरात स्टेट है हमारी गुजरात, ये हमारी राजस्थान है राजस्थान, ये हमारी पंजाब हो गई, ये हमारी होगी हरियाणा, और ये हो गया हमारा दोस्तों पश्चिमी यूपी, यानी कि यूपी हमारा है तो यहाँ तक, और ये जो पश्चिमी यूपी है ना ये हमारा पश्चिमी यूपी हो गया, यानी कि पश्चिमी यूपी, जम्मू ये हमारा जो स्टेट हो गया, ये हमारा जम्मू हो गया, यानी कि जम्मू, और उत्तरी अफगानिस्तान, यानी कि इस तरफ जो क्या है हमारा अफगानिस्तान एक देश है, उसका जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर, वहां तक क्या था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था गुजरात, ये गुजरात होगी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और ये क्या उत्तरी अफगानिस्तान, यानी कि यहां तक क्या था
इसका जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या करते थे, शवों को दफनाते थे, और यहाँ पर क्या था, मोहनजोदड़ो सभ्यता में शवों को जलाने की प्रथा थी। इनका जो दोस्तों कुछ सारे पॉइंट सिमिलर है, कुछ पॉइंट अलग है थोड़े से। यहाँ पर क्या था, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय था कृषि, यानी कि ये कृषि करके ही अपनी आजीविका चलाते थे, कृषि करते थे, जैसे कृषि करके अपनी आजीविका का पालन करते थे। उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ की जो सभ्यता थी शहरी सभ्यता थी, यानी कि जो आज की सभ्यता चल रही है, यानी कि आज जो है शहरी सभ्यता है, आप शहर में रहते हो, तो उस समय की व्यवस्था वहां पर थी, शहरी सभ्यता थी, पक्की सड़कें थी, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही बेहतर थी, यानी कि वहां क्या जल भराव की कोई समस्या नहीं थी, जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो समाज था, यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि आज का जो समय है क्या है, पिता के नाम से हमें जाना जाता है कि ये उनका लड़का है, ऐसे उनका पुत्र है। तो यानी कि उस समय का जो समय था उनमें क्या है, माता के नाम से बच्चे की पहचान होती थी कि ये उनका लड़का है। तो ये जो समाज था क्या था, मातृसत्तात्मक समाज था उनका। और यहाँ की जो लिपि थी, यानी कि ये जो लिखा करते थे, जो भी लिखते थे, उसकी लिपि थी भावचित्रात्मक, यानी कि भावचित्रात्मक जो लिपि का नाम था, इसको क्या करते थे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि आप इस तरफ से भी लिख सकते थे और इस तरफ से भी लिख सकते थे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, मैंने लिखा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि दोनों तरफ से आप लिख सकते थे इसको। इस लिपि की वो विशेषता थी इसमें। और इसमें दोस्तों क्या था, हड़प्पा सभ्यता, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, खोज मैंने आपको बता दी राखनदास बैनर्जी ने, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लड़काना जिले में स्थित थी, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, मृतकों का टीला कहते थे मोहनजोदड़ो सभ्यता को, शवों को क्या जलाने की प्रथा थी यहाँ पर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बड़े बड़े अनाज के भंडार, यानी कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, यहाँ क्या बड़े बड़े अनाज के भंडार मिले हैं, भंडारों के अवशेष मिले, और स्नान घर, यानी कि उस समय के बड़े बड़े स्नान घर होते थे। मुख्य भोजन जो था, यानी कि क्या खाते थे, ये मुख्य भोजन जौ और गेहूं था, यानी कि जौ और गेहूं की खेती करते थे, उसी से अपना पेट भरते थे। उसके बाद दोस्तों जो मिठाई के लिए, यानी कि स्वीट के लिए, मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी मधुमक्खियों का शहद इकट्ठा करते थे, उसी से अपना मिठाई का वो करते थे। सर्वप्रथम जो कपास की खेती, यानी कि दोस्तों विश्व में क्या सर्वप्रथम जो कपास की खेती की गई थी, वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी। तो दोस्तों ये पॉइंट है, बाकी और भी पॉइंट है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है, बाकी के पॉइंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारी मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, ये क्या है कांस्य युक्त था, यानी कि यार कांसा उस समय की क्या, एक कांसा धातु थी, उसका प्रयोग क्या करते थे, ये कांसा धातु इनको क्या है दोस्तों, यानी कि कांसा धातु बनती कैसे थी, यानी कि तांबा, तांबा होता कॉपर, उसमें टिन मिलाकर कांसा, कांसा बनाते थे, यानी कि ब्रॉन्ज, यानी कि ये इस जो ये विधि थी इससे प्रचलित थे, यानी कि इस समय के लोग क्या है तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाने की धातु जो वो विधि थी उससे क्या प्रचलित थे, यानी कि उन्हें उसके बारे में उनको ज्ञान था। दोस्तों इसमें क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के लगभग क्या है हजार, जो लगभग क्या है हजार स्थलों का, हजार स्थलों की खोज की हो गई है, मतलब जो भी इतिहासकार थे उन्होंने खुदाई का काम चालू करके क्या हजार जो स्थल है उनकी खोज कर ली, परंतु उसमें क्या है जो छह जो स्थल है उनको ही नगर माना जाता है, यानी कि यही नगर थे, बाकी छोटे मोटे कहीं ना कहीं अवशेष मिलते रहे हैं। तो वो छह नगर कौन कौन से, लगभग हजार स्थलों की तो खोज हो गई है, परंतु जो छह नगर जो छह बड़े बड़े वो थे उनको हम नगर मानते हैं, वो कौन कौन से, एक दोस्तों हड़प्पा हो गया, ये मैंने आपको बताइए पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता, एक मोहनजोदड़ो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, एक सिंध का चनउद्रो, यानी कि जो सिंध प्रांत है पंजाब के पाकिस्तान में आता है, ये सिंध का चनउद्रो एक ये प्लेस है। दूसरा दोस्तों एक गुजरात का लोथल, यानी कि चौथा क्या है गुजरात का लोथल, यानी गुजरात में लोथल नामक एक जगह है उसको भी नगर माना गया है। राजस्थान का कालीबंगा, यानी कि यहाँ से क्या हमें अवशेष प्राप्त हुए, तो इनको क्या है काफी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए, तो इनको क्या है नगर माना गया है। वैसे तो क्या है लगभग हजार स्थलों की खोज हुई है, परंतु जो छह हैं उनको नगर माना गया है। राजस्थान का कालीबंगा एक है दोस्तों, हमारा हरियाणा के हिसार जिले में बनावली, यानी कि जो हरियाणा है हमारा, हरियाणा के जो हिसार जिला है उसमें एक बनावली नामक प्लेस है हिसार जिले में, वहां से उसको भी क्या नगर माना गया है उस समय के काल का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल का खोज की है। तो दोस्तों इसमें क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में जो विश्व में क्या है सर्वप्रथम जो चांदी, यानी कि सर्वप्रथम जो चांदी पाई गई थी वो इसी सभ्यता में पाई गई थी। और एक दोस्तों उनको ये भी है कपास उगाने का, यानी कि कपास जो रुई होती है उसको उगाने का जो श्रेय प्राप्त है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, कपास की सर्वप्रथम जो खेती की थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने ही की थी।
तो दोस्तों इसमें उस समय भी क्या थी दोस्तों, कुछ प्रथाएं चलती थी, यानी कि वहां पे क्या पर्दा प्रथा थी, यानी कि जो लेडीजें होती हैं उनको पर्दा करना होता था, यानी कि पर्दा प्रथा और एक वैश्यावती प्रथा, यानी कि ये प्रथाएं क्या उस समय प्रचलित थी, इनके क्या हमें अवशेष प्राप्त हुए, तो जिससे क्या पता चलता है कि उस समय पर्दा प्रथा और वैश्यावती प्रथा थी। और एक दोस्तों क्या है, एक बतख होती थी, यानी कि उसको क्या बहुत पवित्र मानते थे उस समय के लोग, क्या थे उसको बहुत पवित्र मानते थे। और ये पूजा किसकी करते थे, यानी कि पूजा करते थे पशुपतिनाथ शिव की, यानी कि शिव जी हमारी जो है भोले शंकर, उनकी ये पूजा करते थे। साथ में ही जो प्रकृति होती थी, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, उनकी भी ये पूजा करते थे, यानी कि पशुपतिनाथ शिव की और प्रकृति की पूजा करते थे। जो उस समय के जो दोस्तों बर्तन हुआ करते थे, यानी कि जो बर्तन जो यूज करते थे खाने पीने के लिए, वो काली मिट्टी के होते थे, यानी कि काली मिट्टी के बने हुए होते थे, और उनपे क्या लाल चित्रकारी करके रखते थे ये, यानी कि उस इस तरीके के बर्तनों को क्या है उस समय यूज करते थे। जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो इस तरीके के हैं, उनपे क्या काली मिट्टी के बर्तन है और उन पर लाल चित्रकारी की हुई है, तो इस तरीके के क्या हमें वहां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उसमें दोस्तों और जो क्या है सूती कपड़े के, सूती कपड़ों के साक्ष्य, यानी कि जो हम सूती कपड़े पहनते हैं उनके क्या वो उस समय भी प्रचलित थे, यानी कि उसके भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए सूती कपड़ों के। एक जो शिव शंकर जो शिव जी की मूर्ति है, जो नृत्य रूप में एक मूर्ति है कांसे की, वो भी हमें कहाँ प्राप्त हुई है, वो भी हमें उसी समय की प्राप्त हुई है। और चावल का छिलका, यानी कि दोस्तों जो उस समय खेती करते थे तो उनके भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल का छिलका ये कहाँ से मिला है, ये हमें मिला है कालीबंगा राजस्थान, जैसे मैंने आपको बताया महानगर कालीबंगा क्या है महानगर है उस समय का जिसकी खोज की गई थी, तो वहां से हमें चावल का छिलका कालीबंगा राजस्थान। और दोस्तों वहां से क्या हमें ऊंट के अवशेष भी प्राप्त हुए, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा वहां पे क्या है काफी मात्रा में रेतीला इलाका है, तो वहां पे क्या है ऊंट यातायात के तौर पे या वैसे अपने काम के लिए ऊंटों का प्रयोग करते थे। तो यानी कि ऊंट के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, हमें राजस्थान से प्राप्त हुए। घोड़े के अवशेष, यानी कि जो व्यापार के लिए वैसे जो आने जाने के लिए भी वो घोड़े का प्रयोग करते थे, तो घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, सुरकोटड़ा गुजरात, यानी कि सुरकोटड़ा क्या है एक जगह है, कहाँ पर है गुजरात में, वहां से क्या हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे दोस्तों एक बंदरगाह प्राप्त हुई है हमें बहुत बड़ी, लोथल बंदरगाह जिसे क्या नाम क्या है लोथल, लोथल बंदरगाह, वो भी कहाँ से प्राप्त हुई है, वो भी गुजरात से प्राप्त हुई है। और एक दोस्तों इसमें ये भी है जो इसमें क्या करते थे स्त्री पुरुष को साथ दफनाने की, यानी कि एक ये भी साक्ष्य प्राप्त हुए कि स्त्री पुरुष को जो उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं स्त्री और पुरुष के, यानी कि साथ दफनाते थे स्त्री पुरुष को, कहां पर गुजरात में, यानी कहां पर लोथल में, ये लोथल जगह है वहां पर क्या है स्त्री पुरुष को साथ दफनाने की प्रथा थी। तो दोस्तों इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, इसका क्या पतन हुआ था, तो कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था, यानी कि उस समय क्या प्राकृतिक आपदा आई थी काफी सारी, बाढ़ आ गई थी, उससे क्या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हो गया। लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि उस समय क्या है आर्य क्या है आने लगे थे, यानी कि जो बाहर से क्या है आर्य जिनकी क्या भाषा संस्कृत थी उनका आगमन शुरू हो गया था। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आगमन से क्या है सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हो गया, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहां पर बाढ़ आई थी काफी प्राकृतिक आपदा आई हुई थी उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है पतन हो गया था, यानी कि अंत हो गया था। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको बता ही दिया, अगली बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन की थी, खोज की थी दयाराम सानी ने 1921 में पंजाब पाकिस्तान के पाकिस्तान से। और दोस्तों उस समय की जो ये इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, मात्र जो था जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, लिपि जो थी लिखते थे वो भावचित्रात्मक थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट लिखते थे। मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, यानी कि कृषि करके ही अपना आजीविका का साधन पालते थे ये। और जो मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे, और क्या नाम है पूजा करते थे पशुपतिनाथ शिव की प्रकृति की, बर्तन यूज करते थे काली मिट्टी के लाल चित्रकारी के। और इसमें क्या है और दोस्तों इसमें मैंने आपको बताना चाहूंगा कि जो इसमें मैंने बता दें कि लगभग हजार जो थे जिलों हजार स्थलों की खोज कर ली थी इतिहासकारों ने, परंतु क्या उनमें से छह जो नगर थे उन्हीं को हमने महानगर माना है, उन्हीं को हम नगर माना है, वहीं से क्या हमें काफी सारे अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में काफी सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
क्योंकि मैंने इसमें आपको आद ऐतिहासिक काल बता दिया। उसके बाद हम दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक काल की हमारे क्या क्या घटनाएं थी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।